हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आरंदी को, जहाँ पे सत्यनारायणेश्वर महाराज की समाधि है। तो गाइस, अभी हम लोग उधर जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में एक स्पेशल चीज़ है, जो कि आपने नोटिस कर ही ली होगी, मेरे पास एक ट्राइपॉड आ चुका है। तो इसी वजह से अब मैं ज़रा सिनेमेटिक शॉट्स डालने का ट्राई करूँगा, जैसा जैसे मुझे जमेगा वैसे। सो आप बताना कि आप कैसे लग रहे हैं अब मेरे वीडियोस। और गाइस, आपने जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए थैंक यू। हमारे दो वीडियोस जो कि चैनल पे है, एक थेउर वाला और रामदरा वाला ब्लॉग, दोनों भी वीडियोस जो है वो 100+ व्यूज, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सपोर्ट है, थैंक यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पे, तो अभी मैं अंदर जाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि कैसा कैसा है मंदिर। तो गाइस, अंदर जाने से पहले आपको मैं बता देता हूं थोड़ा ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में। फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, 21 उनकी एज थी, और उसी एज में उन्होंने समाधि ले ली, और उधर से आरंदी से पंढरपुर तक ये रहती है पालखी रहती है, जो कि 250-250 किलोमीटर तक चल के पंढरपुर तक जाते हैं विठ्ठल रखुमाई के दर्शन लेने के लिए। तो वो कितना चलते हैं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो? Thank you.
गाइस ये जो अजन वृक्ष जो है उसके नीचे ही ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है। स्पेशली रोड बनाया था तो फिर उसके ऊपर से जब जाते थे टैंक तो फिर वो रास्ता ख़राब ना हो जाए इसलिए वो रास्ता पत्थर का बनाया जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा है। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ मेरे सोसाइटी के लॉबी में। तो आज है 12 तारीख 12 मार्च। तो आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट है इसकी वजह से मैंने और एक जल्दी ब्लॉग लाया और आपने दो वीडियोस पे 100 व्यूज क्रॉस किए जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था। तो थैंक यू इसलिए मैं जल्दी से जल्दी नया व्लॉग ला पाया। तो फिर अभी देखता हूँ ये व्लॉग कब आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम 17 सब्सक्राइबर से दूर है 50 सब्सक्राइबर होने के लिए। तो फिर अभी ये वीडियो जल्दी आएगा मेरी जैसी एडिटिंग कम्प्लीट होगी तब। और इस वीडियो पर लाइक कर देना। तो गाइस अभी पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी,
मैं वो कोशिश करूँगा जल्दी व्लॉग लाने की। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।